हमारी हाई कमांड जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। हम ना देवे ना देवे कैसे बात कर रहे हैं आप? तो कह रहे थे बिल वापस हो गए तो हम बीजेपी। ये देखे यू तन नक्शा छोरा झूठ बोल रहे हैं आप, इसके आगे कही रहा है यू तो देखे भाई यू सुनिए यू छोरा तन नक्शा हम पर जबरदस्ती यहाँ भरवा रहे हैं। तू क्यों हाँ भरवा रहे हैं भाई तने के फायदा उसका? ये हम ना देवे बता कैसे करेगा? अबे 600 आदमी मर गया उनका तुझे कोई हिसाब लेना देना है ना? ना वो तो और सुन तो कहा की कर रहे 700 आदमी मर गए वे भी तो इसमें मरेंगे उनका कुछ नहीं। और माफी वहां सिसोदी मांगने का जाकर राष्ट्रीय राजधानी है सिसोदी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ यहाँ कोई अपने घर मांगने कुछ फायदा हो रहा है? अरे वहाँ भी मांगने का टीवी पर वहाँ ना आओगे वहाँ कोई वहाँ ना टीवी वहाँ तब ना जाओगे तब ना करोगे वहाँ टीवी पर सड़े अनाउंस। ए हम तो इसका नाश करेंगे बुझावेंगे। देखो देखो सुन हमारी बात मेरी बात सुनिए खुशी तो हमने इतनी है जो तो ज़्यादा है ना। चलो उसने उसका सद्बुद्धि आई भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका बुद्धि दे दी उसने किसानों पर विचार कराया ये तो खुशी और किसान मान लिया। अच्छा अच्छा सुन तो अरे सुन तो रे उनने कही खालिस्तानी पाकिस्तानी हमें अब हमें उसे उसने ये अपने मुँह से कह दी अब किसान सीधा है माली हालत खराब है। चलो ये तो कही अब रही बात दूसरी हाई कमान निर्णय लेगी और हाई कमान के बाद में भी ये 700 आदमी हैं ये जो 750 मरे हैं ये कहाँ से इनका पोत पूरा हो जाएगा? जो वेदिक सुनिए ओ जो मुकदमे चल रहे हैं क्या महाराधोरा पैसे हैंगे? अगर महाराधोरा पैसे होते तो हम ऐसी टट्टी में पड़ते ऐसे देखे। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाए आप कुछ में से है ना फिर? सुन तो सही अभी कुछ ना है और किसान, सुन, तो मान किसान उनने मान लिए तो और अभी कोई भी ना मान रहा है ये सब बात मानना है मोदी करेगा और फिर राष्ट्रीय राजधानी सिसोली में जावेगा और अपनी गलती मानेगा और उसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश करेंगे हम ना करें उसे भी उसे माफी देगा तो हमारे राष्ट्रीय ये कोई सार्वजनिक का तो अपने घर मांग रहेगा अभी वहां भी जाएगा सिसोली देखिए तन नक्शा छोरा बावड़े पड़े की बात कर रहे हैं ऐसा ना मानना हम बिल्कुल भी कानून ए हम जब मानेंगे लिखित में ही आ जाएंगे संसद में पास होगा। ए भैया ए हमने ना भरोसा होता तो हम यहाँ क्यों बड़े रहते? वो तो जब ही पास कर देता इस बात में भरोसा क्यों नहीं है? 15 लाख रुपए को देने के लिए कुंडा जड़ आज तक इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई इस प्रधानमंत्री कुंडा जड़ कितने झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे झूठ के पुलिंदे उस पर इतने हो गए बेलिमिट हो गए और वह झूठ जो उसकी चलने वाली नहीं है। अरे भाई चैनलों पर तो देखो चमक दिख रही है तो हम आ भाई सुनिए सुनिए हमारा यू देखे हमारा यू तन नक्शा छोरा के कह रहे जो और हमारा दुख होना चाहिए अब लोग हमें किसान ना मानना है ना अब लोग हमने खालिस्तान नहीं कहा और हमें आप किसान मान रहे उसकी खुशी में बांटी है उन्हें यू के किसान माली हालत में है माली हम किसान मान दिए उसे अच्छा यू बावड़े पड़े की बात कर रहे हैं आज से 70 करोड़ जनता माननी है उसमें अच्छा मुट्ठी भर क्यों है ये इतने किसान यूं मत मानिए जब ये आदेश करेंगे जैसे 28 तारीख में यहाँ आ गए ऐसी फिर आ जाएंगे जानबूझ के बैठे रहना चाहते हैं बिल वापस हुआ इसकी ऐसा है हमें कोई शौक नहीं है तुम एक काम कर लो अरे रुक जा तुम सारे पत्रकार जो दो एक दिन यहाँ रह के तो देख लो मेरे बेटे हम तो तमें माल लेंगे जो तुम यहाँ रह जाओ तुम रह के तो जाओ ये तू तो दिन में आकर शाम को चला जा यहीं पड़े जो हमारे बुढ़े 95 साल के यहाँ पड़े हैं 71 साल की उम्र मेरी हो गई हम यहाँ पड़े हैं बता कैसे करेगा यह पिकनिक या तू मना ले इस पिकनिक को हमें जरूरत ही ना और तेरा बालक देखेंगे जब तू साल भर न जाएगा जो हमारा बुढ़ा 95 साल तू यहाँ है का यहाँ है 12 महीने हो गए तो यह पिकनिक बता रहे छोरा तू अपनी घरवाली के दोहरा मत रह जाइए हम देख देंगे तू जा या बावड़ा पड़े की बात कर रहा यू तन नक्शा छोरा बका रहा हमने तेरी घरवाली तो रोन लगेगी। अब भैया सुनो नारे तो देखो हमारा जब लगेंगे जब ये पास भी कर देंगे और देखो हमारी बात सुनो हमारे 700 आदमी जो मरे उन पर विचार कर लेंगे जो सही कोई पैसे हैं कोर्ट कचहरी जाने के लिए सब चीज वापिस ले होगा जब जाएंगे वापिस और जो हमारी हाई कमान तय करेगी वो निर्णय मानना जाएगा और सिसोदी भी जाएगा यू जाकर अपनी माफी मांगने का गलती मानने का राष्ट्रीय राजधानी है वह
ठीक यू जाएगा कौन है, यू जो सबसे बड़ा राजा बन रहा है जो प्रधानमंत्री, और कहेगा मेरी गलती हो गई, वह राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली ना हमारी, हमारे राष्ट्र की जो राजधानी है वह सिसोदिया में है। और वहाँ जाएंगे, वहाँ सब कुछ लेगा और के नाम है 700 आदमियों के जो भी आदमी मरे हैं उनके पैसे मिलेंगे मुआवजा, और मुकदमे सब किसानों के वापस लिए जाएंगे। ऐसा कैसे चले जाएंगे, या क्या बकवादबाजी है? अरे कैसे, ये तो एक छलावा कर रहा है, ऐसा ना पास करवाएगा जब जाएंगे सब कुछ होकर, और जो हाईकमान तय ना भरोसा होता तो हम साल भर क्यों पड़े रहते हैं। अब तो कह दिया है ना, अरे कह तो दिया है, अरे और वहां जाकर राष्ट्रीय राजधानी है वहां सिसोदिया, अरे वही जाकर यूएसए जाके सारे प्रधानमंत्री गए वहां अपनी गलती मानने के, गलती दिल्ली या कोई दिल्ली में राजधानी नहीं है हमारी तो वहां सिसोदिया में, अरे देश की राजधानी वहां सिसोदिया, ये क्या बकवादबाजी कर रहा है, इधर नक्शा छोड़ा हमें चला ले, हम तेरे कह के सामान ले गए, अरे हम ना करा इतनी भी तारीफ हमारी सी भी, अभी तो 700 तो वे आदमी जो कुछ खत्म हुए हैं उनका तो मुआवजा देगा, सारे मुकदमे वापस लेगा, और सारे मुकदमे वापस जब हो जाएंगे और इस पर मोहर लग जाएगी, और अपनी वहाँ सिसोदिया जाकर गलती मान का होगा वह बात जब, और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे हम ना कहें वह भी बात, अरे सुन तो, अरे ये मुकदमे कहाँ जाएंगे, ये भी तो बिल पे ही है ना ना मुद्दे, अरे भैया हाँ यही पड़े रहेंगे हम तो, ही पड़े हैं साल भर हो गए और एक साल पड़े रहेंगे, जाने का मन ही ना फिर तुम्हारा ना, मन तो क्यों ना होगा हम, तुम अपने घर से छोड़ कर ऐसे आ जाओ, तुम रह कर दिखा दो हमने एक दिन भी, अरे देख यू तन नक्शा छोड़ा है, तू छोड़ कर आ जाओ अपने घर को, ऐसा ताई तो कह रही है कि नाम इतने सारी बात वापिस ना हो, मैं मुकदमे वापिस ना, इतना आइयो मत ना, और ठप्पा ही लगवा के जाएंगे बिल्कुल साफ सुथ, उन्होंने तो यही कहा है कानून वापसी हो गए बस, और ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने, अरे सुन सुन सब मानेगा, इतनी तो वो आया है उसको बुद्धि बनी है, सद्बुद्धि बनी है, अब सहज बुद्धि होगी उसे सम्माननी पड़ेगी, ठीक है, और ना मानेगा तो फिर हम तो यहाँ पड़े हैं, ये महारा के बिगड़ रहा, भाई ये तो सुन, ए भाई सुन सुन ये तो सुन सुन ये श्री गणेश हुआ जो आदमी ना मान रहा, अरे मान रहा है तो ये तो चला एक नहीं है, जब राम आया है के नाम है 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब उसकी खुशी में दीवे ना जलाए गए, जब मिठाई ना बटी तो ये तो काम है बट रहे हैं, अपनी मांग रखेंगे, अरे सुन अभी हमारी बात सुन ले, अभी पूरी बात ना हो, ये तो सारी बात लाला ना होगी, इतना मानने वाले नहीं है, अरे संसद में भी पास होंगे कानून, और के नाम है भैया इतने ना हो, इतने के नाम यू सारे ये मुकदमे और वे वापिस ना होंगे, ना ना हम ना दे, हम तो देना भैया, और आ देखे महारा वे बहाले चले हैं, लाठी चली है, और हमारे पर पानी बरसा 18 में भी, अरे तू बावड़े बड़े की बात कर रहा है, हम ना दे हमारा कोई मतलब नहीं, कानून तो हमारा अधिकार है ख़त्म करवाने का, ये तो किसान का अधिकार है, इसमें क्या दिक्कत है, हमारी फसल है, हाँ उसके देखो सुनो, हम खुश क्यों हो जाएंगे, हम खुश जब होंगे, हम ना होंगे तन से भी खुश, हम के एक महारा बाहर लेना था कि हमारे 700 आदमी मर गए वे कैसे खुश हो जाएंगे, हमारा उनका दुख नहीं है, के माफी भाई सुन सुन तब चार अपनी मत ना चलाओ किसी की, तो वहाँ जाओगा सिसोदिया राष्ट्रीय राजधानी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश करेंगे वो पालन होगा, और वह तो है ही भाई, तो पहले से ही वह है राष्ट्रीय राजधानी सिसोदिया, देखे तब नक्शा छोड़ा हमें बकायदे, हम वो तो हमारी हाईकमान निर्णय लेगी, हमारा देखो ये निर्णय है हमारी हाईकमान का, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हम तो जो हाईकमान हमें आदेश करेगी उसका पालन करेंगे, पर ये हम जरूर कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हम मुकदमे लड़ान के कोर्ट कचहरी नहीं जाओगे, सारे मुकदमे वापिस होंगे, इतना हमारा किसान है सुझाने वाला, और नारे तो लगेंगे, और नारे ना लगेंगे नारे कोई और, हम रोएंगे उन्हें इतनी चलो सुनी, अब आगे हमारा काम चलता रहेगा, वोट देंगे ना फिर, अरे ना दे मैं कैसे करेगा बता, कौन सी बात है, कौन सा कानून धरे हम पे, वोट हमारा अलग अधिकार है, वो तो अधिकार हमारा है, वो तो हम महाराज जी से जी करेगा उसे देख, अरे या फिर कानून का के हो गया, उसकी कानून है, फसल हमारी है, फसल रेट तय करा, उस रेट पर हमारे बेचा, उसमें कहाँ का कानून में उनने क्या कर दिया, ए कोई सा भी ना हमारा ना करा, उस योगी ने भुगतान 5 साल में पैसा ना बढ़ाया, बता कैसे करेगा, अब तो इलेक्शन में बड़ा मोड़ आएगा, देखो इलेक्शन में मोड़ तो वोट तो हम देंगे, हाँ। किसान देगा, हाँ। वो मोड़ थोड़ा वैसे ही आ जाएगा, जो आदमी अच्छा काम करेगा आगे उसे देगा, और ये अच्छा काम
अरे क्या हो गया, अच्छा काम हो गया है, 1700 आदमी मर गया, उनका तुझे कुछ हिसाब लेना देना है ना, ना वो तो है। और यार सुन तो कहा की कर रहा, 700 आदमी मर गए, वे भी तो इसमें मरेंगे, उनका कुछ नहीं। और माफी वहां सिसोदी मांगा का जाकर राष्ट्रीय राजधानी सिसोदी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, यहाँ कोई अपने घर मांग ले कुछ फायदा हो रहा है? अरे वहाँ भी मांगेगा टीवी पर, वहाँ ना आओगे वहाँ कोई वहाँ ना टीवी, वहाँ तब ना जाओगे, तब ना करोगे वहाँ टीवी पर सड़े अनाउंस, वहाँ जाओगेगा? और ये गलती हमारे द्वारा कोई पैसे धरे कोर्ट कचहरी जाने के लिए, वे मुकदमे वापिस देगा? और देखे वहाँ लखीमपुर खीरी में जो ऐसा काम करे वो कौन है, वो जो मंत्री है उसका अस्थि पर 120 भी का उस पर मुकदमा चलता होगा, जेल जाएगा? हम तो नाम ना जानते कौन है वो विश्वसित। ये देखे रुक जा रुक जा, तम पर यहाँ कोई गाड़ी चढ़ा दे या जिद है तब ना कोई सारे पत्रकारों को मार देगा यहाँ, तो तब ना लड़ाई लड़ोगे फिर? वे किसानों पर वहाँ गाड़ी चढ़ा दिया, कौन सा कानून है? अरे ये कौन सा कानून है गाड़ी चढ़ा देगा? वैसे मोदी जी की तारीफ में क्या है? हम ना करें तारीफ, तन थी भी हम ना करें, बता कैसे करें? ना ना मान।